हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाथ क्रिएटर एकेडमी। पाथ क्रिएटर एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएसआई 2021 के गणित के पुराने प्रश्न पत्रों का संपूर्ण हल। देखिए, इससे पहले पार्ट वन हमारा आ चुका है मैथ का। मैथ का पार्ट वन जो है ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। वो क्या है, पार्ट फर्स्ट जो है ना, वो उसकी लेंथ थोड़ी ज्यादा हो चुकी थी। वो लगभग 2 घंटे करीब हो गया था, तो वो 2 घंटे का जो है ना, वो हर कोई वॉच नहीं कर सकता था 2 घंटे। इसलिए हमने जो आगे आने वाले पार्ट हैं, जो नेक्स्ट पार्ट है, उनको 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया। जैसे कि दूसरा पार्ट है वो 2A और 2B में आएगा, 2 पार्ट में कर दिया ब्रेक। इस पार्ट के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं 20 क्वेश्चन। जो अगला 2B पार्ट आएगा उसके अंदर आगे के 20 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और इस वीडियो के अंदर 19 दिसंबर 2017 के अंदर जो शिफ्ट बन हुआ था, देखिए 27 शिफ्ट में पेपर हुए थे सारे, तो 27 टोटल 27 पार्ट आएंगे, ठीक है। क्योंकि एक पार्ट को हमने 2 में ब्रेक कर दिया, इसलिए टोटल 27 दूना 54 पार्ट आएंगे, ठीक है। और ये हमारा इसमें 40 क्वेश्चन है, देखते हैं। ये रिटर्न एग्जाम के पूरा स्कीम है। यूपीएसआई का 3 फेज में एग्जाम होता है, पहला फेज, दूसरा और तीसरा। पहला फेज के अंदर रिटर्न एग्जाम रहता है, जिसकी स्कीम ये नीचे देके रखी है पूरी, कौन से सब्जेक्ट आते हैं और कितने मार्क्स का होता है। दूसरा फेज जो रहता है, जो रिटर्न क्लियर करता है, वो फिजिकल में आएगा और फिजिकल एग्जाम देगा। फिजिकल देने के बाद जो फिजिकल क्लियर करेगा वो थर्ड फेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आएगा, और जो तीनों फेज क्लियर करेगा वो फाइनल ज्वाइन करेगा, ठीक है। तो जो ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम होता है वो देख लेते हैं। देखिए, इसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं, सामान्य हिंदी, मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान, और तीसरा सब्जेक्ट रहता है जो मैथ रहता है, और चौथा रहता है आपका रीजनिंग, ठीक है। 4 सब्जेक्ट आते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन, प्रत्येक सब्जेक्ट से 40 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और प्रत्येक सब्जेक्ट से 40 क्वेश्चन, और प्रत्येक क्वेश्चन है ना 2.5 मार्क्स का रहता है। इस तरीके से प्रत्येक सब्जेक्ट है ना 100 मार्क्स का रहता है, टोटल बनता है 400 मार्क्स। और टाइम मिलता है आपको, क्वेश्चन रहते हैं 160, मार्क्स रहते हैं 140, और टाइम रहता है 2 आवर, ठीक है। तो ये रिटर्न एग्जाम मैंने स्कीम पूरी डिस्कस कर दी है, क्योंकि कुछ लोग नए जुड़े हैं तो वो उनको भी पता लगना चाहिए, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 121 देखिए। 12,000 रुपए की राशि को 2 भागों में निवेश किया गया। पहले भाग पर 20% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर, और दूसरे भाग पर 15% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर, ठीक है। यदि 2 वर्षों के बाद इन दोनों भागों से प्राप्त ब्याज में 2,000 रुपए का अंतर है, कितने का अंतर है, 2,000 रुपए का, तो 20% साधारण ब्याज पर कितनी राशि का निवेश किया गया। क्वेश्चन कह रहा है कि एक 12,000 रुपए की राशि है, उसको 2 पार्ट में ब्रेक करें, 2 पार्ट में दिया गया, किसी को उधार दिया गया, और उनसे क्या है, एक पार्ट पे 20% का ब्याज आता है और दूसरे पार्ट पे 15% का ब्याज आता है। लेकिन 2 वर्ष बाद दोनों जो ब्याज आएगा, जितना भी ब्याज आएगा, उसमें कितने का, 2,000 रुपए का अंतर है, कितने का अंतर है, 2,000 रुपए का, ठीक है। तो 20% जो 20% जो है ना, जो 20% पर जो राशि दी गई वो कितनी है, ये बताना है, ठीक है। तो अगर मैं 12,000 को, अपन 12,000 को 2 पार्ट में ब्रेक कर दें, तो पहला पार्ट मान लेते हैं x, दूसरा पार्ट मान लेते हैं 12,000 - x, ठीक है, ये दोनों पार्ट है। अब 12,000 पहला पार्ट जो है x, x में मल्टीप्लाई कितने का करेंगे, 20, क्योंकि 20% हो, तो कितने साल के लिए दी है, 2 साल के लिए, और बटे 100, ठीक है। और इसका डिफरेंस जो है, दूसरा पार्ट कितना है, 12,000, ठीक है, 12,000 - x, ये दूसरा पार्ट है, इसे कितने पे दिया गया है, इसे 15% पे, और ये कितना देके रखा है, टाइम सेम है, और बटे 100, ये मैंने 1,000 लिख दिया, ये 10 नहीं है, ओनली 100 है ना, और बराबर में देके रखा है, इन दोनों का डिफरेंस कितना देके रखा है, 2000। बस ये सेट हो गई इक्वेशन, यहां से x की वैल्यू फाइंड कर देंगे, वो आपका पहला पार्ट हो जाएगा, और फिर 12,000 - x, हमें तो ओनली 20% वाला दिखाना है, तो 20% वाला हमने x मान लिया, और 15% वाला ये मान लिया, ठीक है, ये भी मान सकते हैं 20% वाला, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे,
20 एकम 20 और 20 पंचे 100, 2 गुणित एक्स करेंगे, ये हो गया 2x अपॉन 5, ये हो गया। और यहां से इसे भी सॉल्व करते हैं, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, 20,000 3 दुना 6, 2 से और कट रहा है अभी, 2 से कट दो 10, 3 बटे 10, ये और ये, तो ये है अपना 2 से 2x अपॉन 5, कितना है ये 2x अपॉन 5 माइनस, और 12 का 3 में गुणा करेंगे तो 12 थी 36,000, 36,000 माइनस 3x और अपॉन ये ब्रैकेट के अंदर अपॉन 10, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, यहां से 5 और 10 का एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा 10, 2 5 से डिवाइड करेंगे, 2 2 2 जा 4, मतलब 4x माइनस, और ये है अपना 36,000 माइनस 3x बराबर में 2000, ठीक है, ये आ गया। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, इस माइनस को अंदर जब ये प्रवेश करेगा तो ये 36,000 हो जाएंगे आपके माइनस के और ये हो जाएगा प्लस, ठीक है, हो गया। तो 3 और 4 कितने हो गए 7, मतलब 7x 7x माइनस 36,000, ठीक है, माइनस 36,000 और बराबर में ये 2000 गुणे 10 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इधर इसका इधर, तो 2000 गुणे 10 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 के पीछे 4 बिल्डिंग, मतलब 20,000, ठीक है। अब ये 7x है और 36,000 x को भी उस साइड, सॉरी 36,000 जो है उनको भी उस साइड भेज दो, तो 3620 कितने हो गए 56,000, 56,000 अपॉन 7 हो जाए, x बराबर हो जाएगा 56,000, ये हो गया 56,000 बटे 7, 7 8 से 56, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 8,000, कितनी वैल्यू आ गई 8,000, तो 20% हमने x ही माना था, तो वो पूछ रहे हैं कि 20% पे दी गई राशि कितना है 8,000, तो 8,000 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मैथ का जितना भी सीरीज है, जितने भी पेपर आए हैं, हमेशा उन्होंने, ये जो बोर्ड है लेने वाला, उन्होंने टाइम कंज्यूमिंग के बारे में सबसे ज्यादा ध्यान दिया, 121, मतलब ये 121 नंबर, ये पहला हमारे हिसाब से तो ये पहला क्वेश्चन है, लेकिन ये 121 नंबर पे क्वेश्चन आया था। जब भी मैथ सोचेगा कोई मैथ करने का, तो पहला या दूसरा, या दूसरा नहीं तो तीसरा इस तरीके से क्वेश्चन देंगे कि आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम हो उसे सॉल्व करने में, और बहुत सारे स्टूडेंट ईगो पे ले लेंगे कि हमको तो ये सॉल्व करना है, सारे मार्क्स गेट करना है, उनका टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो इस तरीके से 5 से 7 क्वेश्चन इतने टाइम कंज्यूमिंग देंगे, और पहला नंबर तो, पहला नंबर वाला तो जरूर देंगे, 121 नंबर वाला अगर पहले पे आता है ये क्वेश्चन, तो हमेशा पहला क्वेश्चन इतना टाइम कंज्यूमिंग देंगे ताकि स्टूडेंट के ऊपर प्रेशर आए कि वो बहुत कम समय में फिर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन गलत करे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इसलिए इतना टाइम वाला देके रखा है, ठीक है, हमेशा देखेंगे आप सारे जितने भी क्वेश्चन 27 के 27 सेट हम डिस्कस करने वाले हैं, सारे सेट में आपको यही प्रोसेस मिलेगी, ठीक है, क्योंकि माइंड गेम भी बहुत खेलते हैं एग्जाम वाले, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 122 देखिए, 70 किलोमीटर प्रति घंटा और 80 किलोमीटर प्रति घंटा क्रमशः की गति वाली दो ट्रेनें दिल्ली और आगरा के बीच एक दूसरे की विपरीत दिशा में चलती हैं, कहां पर चल रही हैं, दिल्ली, ये दिल्ली है और ये है आगरा, इन दोनों के बीच चल रही है क्रमशः ऐसे इस तरीके से, ठीक है, विपरीत दिशा में चलती है। अगर दो ट्रेनों के मिलने के समय में यह पाया जाता है कि एक ट्रेन दूसरे की तुलना में कितना 40 किलोमीटर अधिक यात्रा की, तो देखिए ट्रेन की कुछ डिस्टेंस होगी, कुछ इन्हें डिस्टेंस ट्रेवल की होगी ना, तो इसका मान लेते हैं एक्स, और जो आगरा देखिए 70 किलोमीटर है और दिल्ली, हाँ इसे मान लेते जैसे ये 70 की स्पीड में चल रही दिल्ली वाली और आगरा वाली चल रही है 80 की स्पीड में, तो इसे भी एक मान लेते हैं, क्योंकि इनने इनकी तुलना में क्या है, जब दूसरे की तुलना में 40 किलोमीटर अधिक चल रही, एक ट्रेन 40 किलोमीटर अधिक चल रही, तो ये 80 की स्पीड से चल रही, ये 70 की स्पीड से चल रही, कौन 40 अधिक चलेगी, यही अधिक चलेगी, तो एक्स प्लस 40 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये डिस्टेंस हो गई हमने कि इसने मान लिया x डिस्टेंस ट्रेवल की होगी और इसने मान लिया y डिस्टेंस ट्रेवल की होगी,
तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो इसकी डिस्टेंस कितनी है, एक्स अपॉन 70, और दूसरे वाले की जो आगरा वाली ट्रेन है उसकी कितनी है, एक्स प्लस 40, क्योंकि इसने ज्यादा ट्रेवल की और इसकी स्पीड है 80, ठीक है। तो इन दोनों की स्पीड को आप बराबर कर लें तो एक डिस्टेंस अपन को मिल जाएगी, ठीक है। तो दोनों की स्पीड को जब बराबर करेंगे तो एक्स इधर आ जाएगा, इक्वेट कर दो दोनों इक्वेशन को, इसे चाहे आप मानना हो तो फर्स्ट मान लो, इसे सेकंड, ठीक है। तो एक्स अपॉन 70 और इधर एक्स प्लस 40 अपॉन 80, एक्स प्लस 40 अपॉन 80, ठीक है। जीरो से जीरो आपका कट हो जाएगा, 8 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8x, और बराबर में 7x और ये 280, ठीक है। तो इस साइड करेंगे तो x की वैल्यू आ गया 280, कितना आ गया, x की वैल्यू आ गया 280। चूंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो दिल्ली और आगरा के बीच की दूरी, दूरी बीच की दूरी कितनी है, ये दिल्ली है ये आगरा है, एक्स तो ये है और एक्स प्लस 40 ये है, मतलब 2x+40 है डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। तो ये निकालना है हमको, और एक्स की वैल्यू आ चुकी है हमारी 280, तो 280 × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 × 2 = 56, 560 प्लस 40 करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 600। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 600 किलोमीटर की दोनों के बीच की डिस्टेंस है। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई करूंगा वापस से, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 123 देखिए, एक मोबाइल फोन और एक घड़ी की लागत मूल्य का अनुपात ये है, लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना दे के रखा है, ये 3:4, ठीक है, इतना दे के रखा। उनके बिक्री मूल्यों के बीच अनुपात क्या है, बिक्री मूल्य मतलब SP सेलिंग प्राइस के बीच अनुपात पूछ रहे हैं। अगर मोबाइल फोन को 20% लाभ पर बेचा जाता है और घड़ी को 20% हानि पर बेचा जाता है, तो 3x है, तीन ये सॉरी 3:4 है, हम 3:4 को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए या तो हम 100 से गुणा कर दें और यह x मान लें, तो हम सिंपल सा 3x मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं 4x, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है कि उनकी बिक्री मूल्यों के बीच अनुपात क्या है, अगर मोबाइल फोन को, एक पहला हमारा मोबाइल फोन है, दूसरा हमारा क्लॉक है, मोबाइल फोन को 20% के लाभ पर, अब 3x को 20% के लाभ पर बेचेंगे, 20% मतलब 120, कैसा, अगर कोई भी चीज होती है वो 100 रहती है, 20% लाभ पर बेचेंगे तो मतलब वो 120 में बेचेंगे कि नहीं, 120 अपॉन 100, ये तो हो गया आपका मोबाइल का 20% लाभ पर बेच दिया, और दूसरे को क्या, जो भी चीज होगी वो 100 से, अगर लाभ हुआ ना तो 100 प्लस जाएगा और हानि हुई तो 100 माइनस होगा, तो घड़ी को 20% हानि पर, 20% हानि पर 100 में से 20 गया मतलब 80, इस तरीके से बस इसको सॉल्व कर लो। देखिए 100 से 100 गया और ये 120 है, 0 से 0 काट दो, 4 × 2 = 8 और 4 × 4 = 12, ठीक है, 3 × 3 = 9, ये 9x हो जाएगा और ये रेशियो 4 × 2 = 8, 8x हो जाएगा, 8 के x से x आप काट दो, 9:8, 9:8 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 124 देखिए, 124 क्या कहता है, ए अकेले 3 दिन में काम, 3 दिन में काम के लिए 1/4 भाग को कर सकता है काम के, अच्छा ए जो है वो 3 दिन में कितना, 3 दिन में काम का कितना 1/4 पार्ट कर रहे हैं, ठीक है, कर सकता है। बी अकेले 6 दिन में काम के 2/2, बी जो है वो 6 दिन में, ये डेज है ना 6 दिन, और ये भाग है मतलब इतना काम कर रहे हैं, ठीक है, 6 दिन में कितना काम कर रहे हैं, 2/5, ठीक है। और जो सी है वो अकेले 6 दिन में 3/5 भाग को कर सकता है, ठीक है, तो हम कर सकता है 3/5 भाग को कर सकता है, तो ए बी सी एक साथ कितने दिनों में सारे काम को पूरा करेंगे। देखिए हम जब भी करते हैं तो सबसे पहले उनकी एफिशिएंसी पता होना चाहिए, ये तो काम देकर रखा है, भाग देकर रखा है, एफिशिएंसी पता होना चाहिए, और एफिशिएंसी से भी पहले हमें टोटल वर्क तो पता होना चाहिए कि टोटल वर्क इतना था, उसी में से तो 1/4 भाग घटाएंगे, ठीक है। तो टोटल भाग, टोटल वर्क हमको कैसा मानना है, देखिए इसमें भाग देके रखा है कि 1/4 मतलब 1/4, 4 में से 1 भाग कर रहा है ये,
इधर 5/2 मतलब 5 में से 2 भाग कर रहा है, 5 में से 3 भाग कर रहा है, तो इनके नीचे देखिए 4 5 4 5 4 को ऐसी मतलब ऐसी संख्या लेते हैं ताकि 5 और 4 मतलब इन तीनों से डिवाइड हो जाए, तो ऐसी संख्या कौन सी है, 20 है कि नहीं। 5 और 4 का एलसीएम ले लें 20 आएगा, तो 20 मान लेते हैं कि ये पूरा का पूरा मतलब पूरा वर्ग था, उसमें से 1/4। अब 20 का 1/4 मतलब 5, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा काम के नहीं, अब ये तुम्हारे डेज हैं, ये है काम। और एफिशिएंसी काम क्या होता है, काम मतलब वर्क, वर्क क्या होता है, वर्क वर्क इज इक्वल टू होता है जो तुम्हारी एफिशिएंसी रहेगी और इनटू में जो तुम्हारा समय रहेगा, ये होता है। और एफिशिएंसी अगर आपको इधर से निकालना है तो काम वर्क वर्क बटे समय कर देते हैं, तो वर्क बटे समय कर देते हैं तो एफिशिएंसी आ जाएगी, ठीक है। ये फॉर्मूले होते हैं कि नहीं, तो ये तो पता होना चाहिए, ठीक है। वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, और वर्क अपॉन टाइम इज इक्वल टू एफिशिएंसी। तो अभी सबका काम निकाल लेते हैं। तो इसका काम आया, ए का काम आया 5, ए ने 5 काम किया, ठीक है, और 2/5 काम किया था बी ने, तो 2/5 करेंगे हम 20 का, 2/5 4 2 5 से कटेंगे 4, और 4 2 8 8 काम किया बी ने, ठीक है। अब सी का निकाल लेते हैं, सी का 3/5 है, तो 3/5 करेंगे, 5 6 20 4 3 12 12 काम किया आपका सी ने, ठीक है। अब आपके पास वर्क आ गया और डे आ गया, तब तो एफिशिएंसी आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, एफिशिएंसी काम अपॉन समय, समय कितना है 3 3 दिन, तो एफिशिएंसी हो जाएगी 5/3, 5/3 हो गई एफिशिएंसी किसकी, ए की। बी की एफिशिएंसी 8/6, सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, सी की एफिशिएंसी हो जाएगी आपकी 12/6, 12/6 यानी 6 2, और ये कितनी है भाई, 2 3 6, 2 4 8, 4/3, ठीक है, 4/3 हो गई, 4/3 हो गई बी की एफिशिएंसी, और ए की एफिशिएंसी 5/3, और सी की एफिशिएंसी हो गई 2, ठीक है, ये 2। तो अभी पूछा है कि ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर, हाँ बिल्कुल, तीनों एक साथ देखो टोटल काम कितना है, बी 20, और तीनों एक साथ मिलेंगे मतलब तीनों की एफिशिएंसी ऐड कर दो, 5/3 प्लस 4/3 प्लस 2, ठीक है। तो एफिशिएंसी यहां से 3 एलसीएम आ जाएगा, और 5 4 9 प्लस 3 2 6, 9 और 6 15, 15 अपॉन 3, 3 5 15 5, और 5 से जब ये इतना पूरा सॉल्व करके 5 आ गया, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 4 जा मतलब 4, 4 डेज आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 डेज, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, ठीक है। तो 124 का आंसर कितना हो जाएगा, सी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 125 देखिए, क्वेश्चन नंबर 125 क्या कहता है, एक पिता ने अपने 2 बेटों और 2 बेटियों में 1 लाख रुपए बांटे, कितने बांटे, 1 लाख रुपए, टोटल कितने, 1 लाख, 3 4, 1 लाख, 3 5, ये 1 लाख रुपए जो है ना, अगर 2 बेटे उसके पास, उनके कितने हैं, 2 तो बॉयज हैं और 2 जो है ना गर्ल्स हैं, इनके साथ बांटना है 1 लाख रुपए। अगर प्रत्येक बेटी को मिले राशि, प्रत्येक बेटे को मिली राशि से 10,000 रुपए कम है, मतलब बेटे को ज्यादा मिले 10,000, ठीक है। तो बेटे को अगर मैं हम 10,000 मान लें, ठीक है, 10,000 मान लें, ठीक है, 10,000 मान लें, तो इनको मिले हैं, सॉरी गर्ल्स को, बेटे को ज्यादा मिले हैं, गर्ल तो बॉयज को मान लेते हैं 20,000, 20,000 इनको मिले हैं, तो गर्ल्स को कितने मिले होंगे, 10,000, ठीक है। तो ये सबको जोड़ के हो रहा है 1 लाख के नहीं, 10,000 20,000 और 20 और 20 40, तो ये तो 85,000 हो रहा है, ठीक है। तो फिर क्या मारेंगे, गर्ल्स को मान लो 20,000, गर्ल्स को कितना मान लेते हैं 20,000, 20,000 गर्ल्स को मिले होंगे, तो फिर बॉयज को 30,000 मिले होंगे, क्योंकि 10,000 ज्यादा मिलना है ना, 10,000 रुपये कम मिलना है, मतलब गर्ल्स को कम मिलना है, बॉयज को ज्यादा मिलना है। तो अगर इनको 20,000 मिले, 20,000 दोनों को मिल गए, तो इनके गर्ल्स के कितने हो जाएंगे, 40,000 हो जाएंगे, ठीक है। तो इनको ज्यादा मिलेंगे 10,000, तो बॉयज को 30,000 मिलेंगे, 30 30 60,000 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 60,000 और ये 40,000 हो गए कि नहीं, 1 लाख, ठीक है। तो उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो दोनों बेटों द्वारा प्राप्त कुल राशि, कुल
कुल राशि को बोले तो 30,000 ये और 30,000 ये, तो 60,000 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 126 देखिए क्या कहता है। एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है, कितनी? 240 किलोमीटर, तो उसे कितने समय लगा होगा? स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है कि? तो स्पीड है 60 की और डिस्टेंस है 240, ठीक है, तो टाइम कितना लगा होगा? 4 आवर, 4 आवर लगा। ठीक है, एक बाइक भी एक निश्चित गति गति पर उसी दूरी को तय करती है, सेम डिस्टेंस को तय करती है एक बाइक। उसी दूरी को तय करने के लिए कार और बाइक द्वारा लिया गया समय के बीच अनुपात दे के रखा है। ये बाइक बाइक द्वारा उसी दूरी को तय करने के लिए कितने घंटे की आवश्यकता होगी? बाइक द्वारा उसी दूरी को तय करने के लिए कितने घंटे की आवश्यकता होगी अगर बाइक की मौजूदा गति में 20% की वृद्धि की जाए? तो पहले नंबर तो गति निकाल लेते हैं बाइक की, तभी तो 20% की वृद्धि करेंगे। ठीक है, बाइक की गति कैसे निकालेंगे? देखिए ये टाइम जो देके रखा है वो किसका निकल के आया है? ये तो निकल के आया है कार का, ठीक है, और यहां पर ये देके रखा है कार और बाइक का रेशियो का मतलब रेशियो, टाइम का रेशियो देके रखा है। ये कार का है और ये है बाइक का, और कार का समय वैसे कितना, 4 घंटे निकल गया है, रेशियो में कितना देख रखा है, 2। तो मतलब 2 रेशियो की वैल्यू यदि 4 है तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है? 2। ठीक है, अब इसके लिए तो 4 घंटे लगे, तो 1 रेशियो की वैल्यू 3 है, तो 3 रेशियो की वैल्यू कितना देगा? 6। मतलब बाइक जो है ना सेम डिस्टेंस को 240, ये सेम डिस्टेंस को कितने घंटे में तय कर रही है? 6 घंटे में। तो कितना स्पीड हो जाएगी? 6 चौके 24, मतलब 40 की स्पीड में भाग रही है, 40 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। और यहां पर क्या बोल रहे हैं कि बाइक की मौजूदा स्पीड में 20% की वृद्धि करना है। अब 40 का 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, तो 8 को ऐड कर दो, ठीक है, 20, 40 और 8 हो जाएंगे 48। अब वही की वही डिस्टेंस है ना, 48 किलोमीटर से तय करना है, तो वही की वही डिस्टेंस मतलब 240, अब कितना 48 किलोमीटर से भगाना है। ठीक है, तो भगाएंगे तो कितने घंटे लगेंगे ये पूछा है, तो 12 दूना ये 24 और 12 चौके 48, 4 पंचे 20, मतलब कितने घंटे लगे? 5 घंटे लगे। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, कितना आ जाए? ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 127 देखिए। वर्ष 2016 में एक स्कूल में 2000 छात्र होते हैं, 2016 के अंदर कितने छात्र हैं? 2016 के अंदर 2000 छात्र हैं, कितने? 2000 छात्र, जिनमें से 60% लड़के हैं। अगर आगामी वर्षों में प्रत्येक वर्ष में 100 लड़के और 60 लड़कियां भर्ती होती हैं, तो 2018 में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या में क्या अनुपात होगा? देखिए 2016 में 2000 लड़के, इनमें से भी 60% क्या हैं? 60% मतलब लड़के हैं, तो 2000 का 60% निकालिए पहले। 2000 का 60% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 2 0 से 1 2 0, मतलब 6 दूनी 12, 1200 तो हो गए आपके बॉयज। तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी? गर्ल्स हो जाएंगी 800। ठीक है, ये 800 हो गई आपकी गर्ल्स, और ये हो गए बॉयज, जिनमें से अगर आगामी वर्षों में प्रत्येक वर्ष में 100 लड़के, अब आगे आने वाले 2 वर्ष हैं उनमें हर वर्ष में 100 लड़के आ गए, 100 लड़के फिर आ गए, और अगले साल फिर 100 लड़के आ गए, और गर्ल्स में 60 गर्ल्स फिर आ गई, और फिर 60 गर्ल्स फिर आ गई। तो 2018 में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या, तो 2018 में देखिए 1200 और 200, 1400, 1400 तो हो जाएंगे 2018 के अंदर लड़के, और 800 और 60 60, 120, मतलब 920 हो जाएंगी आपकी लड़कियां। इसी का रेशियो पूछ रहे हैं, तो 0 से 0 कट हो गए, 2 से कट कर देंगे ये 17, और 2 से कट कर देंगे ये 2 4 8, और 2 6, फिर 2 से कट कर देते हैं ये 35, और ये 2 2 2 3, मतलब 35:23। अब तो कहीं से कट नहीं हो रहा, तो ये रेशियो हो जाएगा। ठीक है, 35:23, तो ये रेशियो कहां पर है? ऑप्शन नंबर बी के अंदर, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 128 देखिए। क्रिकेटर राम जिन्होंने 201 दिवसीय मैच खेले हैं, कितने खेले हैं? 201 दिवसीय मैच।
के द्वारा बनाए गए औसत रन इस प्रकार हैं कि पहले 50 मैचों में 200, टोटल 200 मैच खेले, पहले 50 मैचों में बनाए गए औसत रन 50 हैं, ठीक है। अगले 50 मैचों में का औसत 54 है और अंतिम 100 मैचों में का औसत रन है 52, ठीक है। क्रिकेटर लक्ष्मण अंतिम 100 मैचों में राम के साथ साथ खेले हैं, 100 मैचों में कितने राम के साथ खेले हैं वो, और इन मैचों में राम से 1200 रन ज्यादा बनाए हैं और 20 मौकों पर नॉट आउट रहे हैं, ठीक है। इन 100 मैचों में लक्ष्मण द्वारा बनाए गए रन का औसत ज्ञात करना है, ठीक है। नोट, यदि औसत बराबर है कुल बनाए गए रन, उसे विभाजित करें करें पारी की संख्या से, उसमें से घटाएं नॉट आउट की संख्या, तो ऐसे निकालना औसत। देखिए, इससे कोई मतलब नहीं है कि ये 200 मैच जो खेले हैं 50 और 50 के शुरू से कोई मतलब नहीं है, उन अंतिम मैच की बात करिए। अंतिम मैच में औसत रन है 52, तो अगर 100 मैच खेले हैं और अंतिम 100 मैचों में उनका औसत है 52, तो राम के रन कितने हो गए, 5200 हो गए कि नहीं, ठीक है। और लक्ष्मण ने क्या किया, ये जो राम थे इन राम भैया से 1200 अधिक बनाए हैं, तो अगर 5200 में 1200 जोड़ देंगे तो कितने होंगे, 6400 हो जाएंगे कि नहीं, ठीक है। अब ये हो गए आपके लक्ष्मण के रन, और हमें बताना है लक्ष्मण द्वारा बनाए गए रन का औसत बताना है। तो औसत कैसे नोट में क्या देख रखा, औसत बराबर है कुल बनाए गए रन, उसे विभाजित करें पारी की संख्या से, पारी की संख्या कितनी है 100, 100 से विभाजित कर दिया भाई, उसमें से घटाएं नॉट आउट की संख्या, नॉट आउट की संख्या देख रखी है 20, 20 मौकों पर वो नॉट आउट रहे, लो घटा दिया नॉट आउट की संख्या को, तो 6400 माइनस सॉरी 6400, ये 6400 बेटो 6400 बटे में क्या है 100 माइनस 20 करोगे तो कितना आएगा 80, जीरो से जीरो कट करोगे, 88 जा होता है 64 और 80, 80 जो है ना वो आ गया लक्ष्मण जी का क्या आ गया, औसत रन। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएंगे। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं यूपीएसआई के अंदर, आप क्या पढ़ रहे होंगे इस तरीके से क्वेश्चन यूपीएसआई के अंदर देखे जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये खाली स्लाइड है, रफ कार्य के लिए दी गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 129 देखिए, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात जो है 2:21:4 है, मिल्क और बटर कितना देखे रखा है 21:4, ये देखे रखा है। अगर पानी की मात्रा 8 लीटर है, बटर मतलब 4:1 की वैल्यू देखे रखी है 8 लीटर, 8 लीटर तो 1:1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 × 2 = 8, ठीक है 2 लीटर। तो पूछा है मिश्रण की कुल मात्रा कितनी है, तो कुल है कितना मिश्रण 22:4 = 21:4 = 25, 25:1 के अंदर है, ठीक है। और 1:1 की वैल्यू है 2, तो 25:1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 लीटर, 50 लीटर हो जाएगी, ठीक है। कुल मात्रा पूछा है इसलिए 50 लीटर हो जाएगी। और अगर कहीं पे यहीं पे देखिए, ये जो 4 लीटर है टोटल तो 50 लीटर है, और इसमें से जो पानी की मात्रा है 8 लीटर है, तो दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी 42 लीटर, ठीक है। तो तीनों पता चल गए, मिश्रण की कुल मात्रा देखा जाए तो 50 लीटर, मिल्क की मात्रा देखा जाए तो 42 लीटर, और बटर की मात्रा देखा जाए तो 8 लीटर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 130 देखिए, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 4 क्रमागत विषम संख्याओं की तुलना से 36 अधिक है, ठीक है। और सबसे बड़ी सम संख्या और सबसे छोटी विषम संख्या का योग क्या है, अगर सबसे छोटी सम संख्या सबसे छोटी विषम संख्या से 3 अधिक है, ठीक है। 5 क्रमागत सम संख्या, तो 5 क्रम माना सम संख्या मान लेते हैं अब x है, ठीक है। और सम संख्या कैसी होती है, अगर इधर 2 मान लेंगे तो 2 + 2 = 4, ये सम संख्या हो गई, ठीक है। 5 तो 4, 1, 2, 3 संख्या हो गई, और ये 4 संख्या, 4 और 2 6 और
और x प्लस 8, ये हो गई पांच सम संख्या। सम संख्या मान लिया x, ठीक है, तो x x प्लस 2 एक संख्या, ये पूरी दो संख्या, तीन संख्या, चार संख्या और पांच संख्या। देखिए आप इधर दो रख के देख लीजिए, सारी सम संख्या बन जाएंगी। ये दो हो गए तो दो प्लस दो ये चार हो जाएगा, और दो प्लस चार छह हो जाएगा, ये दो प्लस छह आठ हो जाएगा, सारी सम संख्या हो गई। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा है, इरेज कर लेते हैं पहले, ये इतना इरेज कर लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या पूछा है, देखिए इसके बाद क्या बोला है, चार क्रमागत विषम संख्याओं की तुलना में 36 अधिक है, मतलब सम संख्याओं माइनस इधर विषम संख्याएं, 36 अधिक है मतलब 36 का डिफरेंस देख रहा है, तो विषम संख्याओं को एक बाय से डिनोट कर लेते हैं। और चार क्रमागत विषम संख्याएं, पांच तो हो गई ये पूरी सम संख्याएं और चार क्रमागत विषम संख्याएं, तो विषम संख्याएं भी कैसे मान लेते हैं, बाय मान लेते हैं इनको, बाय प्लस का बाय प्लस 2, बाय प्लस 4 और बाय प्लस 6 विषम संख्या है, मतलब इधर एक रख दो आप, वन रख दे, वन विषम है, वन प्लस ये पहला वन बन जाएगा, दूसरा वन प्लस 2 3 हो जाएगा, तीसरा इस तरीके से विषम बन गई, और इन्हीं का डिफरेंस देख रखा है 36 अधिक है, मतलब 36 डिफरेंस देख रखा था। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी विषम संख्याओं का योग क्या है, ये क्वेश्चन पूछा है। सबसे पहले तो एक्स और वाई की वैल्यू निकाले, लेकिन एक और कंडीशन देख रखी है, सबसे छोटी सम संख्या और सबसे छोटी विषम संख्या। सबसे छोटी सम संख्या एक्स है, सबसे छोटी विषम संख्या वाई है, उनका अंतर दे के रखा है कितना, 3। ठीक है, तो एक इक्वेशन तो ये बन गई हमारी। ठीक है, अब इससे एक और बना लेते हैं, कैसे बनाएंगे, देखिए 1 2 3 4 5, मतलब 5x प्लस 8 6 14 4 18 2 20, 5x प्लस 20 हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, प्लस माइनस इधर क्या है, 1 2 3 4, कितना है, 4 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा आपका 4x प्लस 6 4 10 2 12, हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, और बराबर में कितना हो जाएगा, 36, देख रखा है 36। ठीक है, और इधर देखिए, तो ये 5x प्लस 20, ये 4x प्लस 12, तो 5 में 5x 4 बाय होगा ना, इधर बाय, ठीक है, 5x प्लस 20 माइनस 4x माइनस 12 बराबर 36, ऐसे ही होगा। अब 20 में से 12 गए तो कितने बचेंगे, 8। ठीक है, तो 5x माइनस 4x, और जो 8 बचेंगे उसको उनको उस साइड भेज दो, तो 36 में से माइनस हो जाएंगे 8, तो कितने बचेंगे, 5x माइनस 4x बराबर 28 बचेंगे, 36 में से 8 गए, तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई, और ये हमारी पहली इक्वेशन। तो x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली, कैसे नहीं। ठीक है, अगर इधर कितने का मल्टीप्लाई कर दो आप, 5 का, तो ये कितना हो जाएगा, 5x माइनस 5y और बराबर 15। ठीक है, अब इनको अगर हम घटा दें, ये 5x है और ये 5x माइनस 5y बराबर 15 है, ये माइनस का कर दो, ये प्लस का कर दो और ये माइनस का कर दो। ठीक है, तो 5 से 5 हो जाएंगे माइनस, और 5y में से 4y, ये 4y है ना, 5y में से 4y क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, तो माइनस का बाय बचा, और इधर क्या हो जाएगा, 15 और 28, 28 में से 15 गए तो कितने बचेंगे, 13 13। ठीक है, तो बाय की वैल्यू कितनी है, -13 बचेगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो बाय की वैल्यू कितनी आ गई, 13। ठीक है, बाय की वैल्यू 13 आ गई, तो बाय के माध्यम से हम क्या निकालेंगे, एक्स। बाय की वैल्यू 13 यहां पर रख दो, कोई सी भी इक्वेशन में रख दो, इसमें रख देते हैं। ठीक है, तो 5x माइनस 13 65 और बराबर में कितना है, 15। ठीक है, तो 5x 65 5 70 10 80, 80 5 से कट कर दो, 5 एकम 5, 3 बचा 5 6 30, x की वैल्यू कितनी आ गई, 16। बस x और y की वैल्यू आ गई, तो मतलब आंसर आ गया। क्या पूछा है,
बड़ी सम संख्या, सबसे बड़ी सम संख्या और सबसे छोटी विषम संख्या का योग कितना है? सबसे बड़ी सम संख्या कितनी है? सबसे बड़ी सम संख्या मानी थी x प्लस 8, x की वैल्यू कितनी आई थी हमारी? 16। 16 और 8 कितना हो जाएंगे? 24। तो ये 24 हो गई भाई। और सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या मानी थी सबसे छोटी विषम संख्या का योग, सबसे छोटी विषम संख्या कितनी है? बाय बाय बोले तो बाय कितना था? 13। 24 प्लस 13 इसका योग पूछा है, तो कितना हो जाएगा? 27 10 47। 47 आंसर आया। 47 आंसर कहां पर है? ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 131 देखिए। एक ट्रेन x किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए 120 मीटर और 280 मीटर की लंबाई वाले एक प्लेटफॉर्म को, एक पुल को क्रमशः 8 सेकंड और 12 सेकंड में पार कर देती है। एक पुल को क्या कर रही है? x किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कोई गति होगी, वो ट्रेन क्या कर रही है? 120 मीटर और 280 मीटर, यहां से लेके 120 मीटर का पुल है। पहला क्या है? पहला लंबाई वाले एक पहला प्लेटफॉर्म है, और फिर क्या है? प्लेटफॉर्म और एक पुल को। अच्छा हाँ, ये 280 का है, ये 280 है और 120 है, इसको 8 सेकंड में और इसको 12 सेकंड में। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं है कि अकेला 120 मीटर पार किया ट्रेन ने, तो ट्रेन छोटी सी हो, ट्रेन की भी कुछ लेंथ होगी। तो मैंने मान लिया कि एक्स लेंथ की ट्रेन है, वो भी तो पार करेगा, पार करेगी ट्रेन। देखिए ये तो यहां से यहां तक तो ब्रिज हो गया 120 मीटर का, तो ट्रेन की भी तो कुछ लेंथ है, इतनी लंबी ट्रेन होगी। जब ये ट्रेन पूरी की पूरी इस ब्रिज पे चलेगी, तो इस ब्रिज को पार करने के अलावा इसका जो पीछे वाला हिस्सा है वो इधर पार करेगा, मतलब ट्रेन यहाँ कहीं पहुंच गई होगी, आ गए ना, इतना पार करना पड़ेगी। मतलब ट्रेन को खुद की लंबाई प्लस इस पुल की लंबाई दोनों को पार करना पड़ेगी। तो इस ब्रिज की लंबाई मान ली 120 और उसको मान लिया हमने एक्स जो ट्रेन की है, और ऐसे ही इसको कि इस ब्रिज या पुल जो कुछ भी है प्लेटफॉर्म है, तो 280 इसको पार करेगी प्लस जो एक्स यानी खुद की लंबाई को भी पार करेगी। ठीक है, तो 120 प्लस एक्स और 280 प्लस एक्स बराबर ही, तो 8 से कट कर 4 से कट कर दो, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, 3 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, 12 3 36, 36 बोले तो 360 प्लस 3x बराबर 28, इधर बराबर में क्या है, 28 दूना 56, मतलब 560 प्लस 2x, ये बन गए। अब 2x को इधर ले जाएंगे तो ओनली x बचेगा, और 560 को इधर ले आएंगे तो 560 में से 360 गए, मतलब 200, x क्या आ गया? 200। तो यही तो पूछा है, क्या पूछा है कि ट्रेन की लंबाई क्या है? ट्रेन की लंबाई हमने x माना था और x की वैल्यू कितनी आ गई? 200। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है? 200। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 132, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का बहुत सिंपल तरीका, 1 + 3 + 7 - 4, ये एक बार में सॉल्व कर लो, और जो बटे की संख्या उसको एक बार में सॉल्व कर लो, 2/3, इसको इनसे सटा के लिखना है बस। ठीक है, 2/3, 4/5, 8/9, -5/6, कर लो सॉल्व। देखिए 7 3 10 और 11 में से 6 गए, 11 में से 6 सॉरी 11 में से 4 जाएंगे, 7 3 10 और 11, 11 में से 4 गए तो ये 7 बचे। ठीक है, ये तो 7 आ गए इसके अंदर। अब इधर इनको भी सॉल्व कर लेते हैं, 9 6 5 और 3, 9 कितना एलसीएम आएगा? देखिए इधर तो 90 दिख रहा है, 90 तो एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो 3 से डिवाइड करोगे, 3 3 9 मतलब 30 आएंगे, 30 दूना कितना हो जाएगा? 60। 5 से डिवाइड फिर करो, 5 एकम 5, 4 बचा 75 40, 5 एकम 5 18 5 90, 18 दूना 36, 18 3 54, 18 चौका 72, 72 प्लस 9 से 10, 10 × 8 80, और माइनस इधर 6 एकम 6, 15 5 75। ठीक है, ये अब देखिए 80 में से 75 गए तो ओनली 5 ही बचे, 72 और 5 कितने हो जाएंगे? 77। 77 और 60, 7 और 6 13, 130, 137, 137/90 ये आया इधर, और इधर पे क्या है अपना? ओनली 7 है, तो 90 से एक बार ये 90 एकम 90 हो जाएगा कि नहीं? 90 एकम 90 और 10 37 10 47,
सैतालीस बटे नब्बे, एक सही 47/90, और इधर है 7, तो 7 और 1 हो जाएगा 8, 8 सही 47/90, 8 सही 47/90 ये आंसर आ रहा है। 8 सही 47/90 कहां पर है? जहां पर है वो ही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 133। देखिए, यदि एक वर्ष में 15 जनवरी को सोमवार है तो उसी वर्ष में 13 फरवरी को कौन सा बार होगा? देखिए, 15 जनवरी को अधिस सोमवार है, क्या है? सोमवार। तो इस मंथ में कितने दिन और बचे? 16 दिन और बचे, और इधर तक कहां पे 13 फरवरी का पूछ रहे हैं, और 13 ये 16 और 13 कितने हो जाते हैं? 6 और 3 9, और 1 और 1 2, मतलब 29। 29 को 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड क्यों? क्योंकि 7 डेज बाद क्या होता है, डे रिपीट होता है कि नहीं, इसलिए 7 से डिवाइड करेंगे। 7 4 28, एक दिन बच रहा है, ओनली एक रिमाइंडर बच रहा है, तो बस एक ही दिन को इस सोमवार में प्लस कर दो। सोमवार प्लस एक मतलब मंगलवार, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, मंगलवार। ठीक है, नो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हल करें। 134 देखिए, क्वेश्चन नंबर 134, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए, a प्लस बी का स्क्वायर बन रहा है और a माइनस बी का स्क्वायर बन रहा है, दोनों को ऐड हो रहा है। तो अगर हम a प्लस बी इसको स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है कि नहीं, ये 2ab होता है, और a माइनस बी को करें इसको स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, और यहां पर क्या हो रहा है, एक बार प्लस वाला और एक बार माइनस वाला, इनको दोनों आपस में जुड़ जुड़ रहे हैं, तो इन दोनों को इक्वेशन को जोड़ दो। इन दोनों को आपस में जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों ऐसे ही जुड़ रहे हैं ना, इसी तरीके से। ठीक है, और बराबर में इधर जुड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, 2a स्क्वायर हो जाएगा और 2b स्क्वायर हो जाएगा, और बाकी ये तो दोनों कट ही जाएंगे। ठीक है, एक माइनस का एक प्लस का, और 2b स्क्वायर होगा, तो 2 कॉमन ले लो और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब इन दोनों का सॉल्यूशन कितना आ गया, इतना आ गया। तो इस तरीके से लिख सकते हैं हम इतने पार्ट को, इस पूरे पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 2 बाहर और a स्क्वायर मतलब 35 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बोले तो 22 का स्क्वायर। ठीक है, 2 बाहर है, इसका तो सॉल्यूशन ये हो गया। अब 35 स्क्वायर प्लस 22 स्क्वायर इधर है, 35 स्क्वायर प्लस 22 स्क्वायर इधर है, तो ओनली इतने पूरे को सॉल्व करके इसका आंसर आ गया 2। ठीक है, अब ऐसे इस पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। इस बार देखिए, इनको घटाना है, जोड़ना नहीं, इन दोनों को घटाना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस माइनस 35 ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इनको माइनस कर देना। अगर इनको माइनस करते हैं तो क्या होगा, देखिए माइनस करेंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस करना a माइनस बी का होल स्क्वायर, कर दीजिए माइनस। तो सबसे पहले तो जो प्लस वाला है वो आएगा, फिर माइनस कर देना है तुम्हें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2ab, ये हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर, ये तो होगा कट, 2 बाहर ab, ये आंसर आ जाएगा। तो 2 बाहर ab, 2 बाहर कर दो, इस पूरे का निकल के कितना आ गया, 2 बाहर ए बी, 2 बाहर कर दो ए बी, ए बी बोले तो ए कितना है 35, अरे 2 2 4 होगा, सॉरी 4 ए बी है ना, मतलब 4, ए कितना है 35 और बी कितना है 22, 35 इंटू 22 नीचे, इससे ये कट जाएगा, तो 4 ये हो गया, 2 इधर था, 2 गुणे 4 2 इंटू 4 मतलब 4 इंटू 2 8, 8 आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर 8 कहां पर है, डी में, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, एक संख्या x को दूसरी संख्या से विभाजित किया जाता है, एक कोई संख्या x है उसको दूसरी संख्या से विभाजित किया जाता है जो x से 3 कम है। ठीक है, जो x से कितनी कम है, 3, तो मान लिया x को दूसरी संख्या से कोई एक संख्या है जो x से ही 3 कम है, कितना, x से ही 3 कम है, मतलब x माइनस 3 है, उससे विभाजित किया जाता है।
इस प्रकार प्राप्त परिणामी संख्या को जब एक अन्य संख्या से गुणा किया जाता है जो x के मान से 4 गुना है, एक परिणामी संख्या, परिणामी मत जो परिणाम आएगा उसको x के मान से 4 गुना मतलब 4x से गुणा किया जाता है, तो परिणाम कितना आता है हमें, परिणाम मतलब बराबर में हमको 48 मिलता है, तो x का मान ज्ञात करो। सिंपल ये बन गई इक्वेशन। तो कैसे करेंगे भाई, 4x का गुणा x में कर देते हैं तो 4x² हो जाएगा, ठीक है, और बराबर में x-3 ये, और इधर इंटू कर देते हैं 48, इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, इसका ऊपर मल्टीप्लाई और इसका इधर मल्टीप्लाई, ये बन गई एक तरीका। तो ये देखिए अब ये वर्ग इक्वेशन बन जाएगी, और दूसरा ये है कि आप वैल्यू रख के देख लें, जो वैल्यू सेटिस्फाई करे वही आंसर हो जाएगा, ठीक है, जैसे 12 रख के देख लें, 12 12 144 × 4 करेंगे, 12 में से 3 गए तो 6 बचेंगे, 6 8 48 और 144 × 4 4 4 16, मतलब ये तो मैच ही नहीं कर रहा, ठीक है, तो 9 से करके देख ले, 9 से कितना हो रहा है, ठीक है, 9 9 जा 81, 81 × 4 करेंगे, 81 × 4 करेंगे तो पीछे 4 आ रहा है, और 9 में से 3 गए 6 8 8 6 48, 48 मतलब 4 8, इधर 8 आ रहा है और इधर 4 आ रहा है तो 9 भी नहीं आ रहा, ठीक है, फिर 18 बचा, 18 को रख लो, तो 18 2 जन 30, 18 का 3 2 4 स्क्वायर होता है ना, इंटू 4 करेंगे, 4 4 16, मतलब पीछे 6 आ रहा है, 18 में से 3 माइनस करो कितना बचेगा, 15, और 5 का 8 में ये तो 15 तो आ ही नहीं रहा, बिल 18 तो आ ही नहीं रहा, ठीक है, ये भी गलत, ये भी गलत, अब क्या बचा, ओनली 6 बचा, तो 6 ही होना चाहिए, जब 3 गलत है, 6 का वर्ग करोगे तो 36 × 4 करोगे, 36 × 4 36 × 4 करोगे तो कितना आएगा, देखिए 36 × 4 करो, 6 6 24, 4, ठीक है, इधर 4 आ रहा है, 6 6 24 के 4 हाथ के 2 4 3 12 13 14 144, 6 में से 3 गए तो 3 बचेंगे, 48 × 3 करो, 8 3 24, इधर भी 4 आ रहा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दूसरा तरीका ये है, 4x², देखिए ये इक्वेशन बनी है, इस इक्वेशन को फिर x² मतलब वर्ग इक्वेशन बनेगी, x² - 48 करके इस तरीके से, वो भी और ऑप्शन से, बाय ऑप्शन कर लो, बहुत ईजी आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 136 देखिए, क्वेश्चन नंबर 136, ओके, उपर्युक्त 7 7 7 8 ये जो संख्याएं देके रखी हैं, उपर्युक्त आंकड़ों का परास उपर्युक्त आंकड़ों के बहुलक से कितना भिन्न है। देखिए 136 ये क्वेश्चन करने से पहले पहले ये चीज समझिए कि जो है सबसे पहले तो परास से पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये समझिए कि पहले माध्य क्या होता है। माध्य देखिए, माध्य क्या होता है, माध्य इसको औसत भी बोल सकते हैं, माध्य और औसत एकदम दोनों सेम चीज है, नाम ले लोगे कोई दिक्कत नहीं है ना, औरत लिख दे औसत, ठीक है, माध्य औसत पहली चीज, ठीक है, तो जैसे अगर 1 2 3 और 4 ये 4 संख्या नहीं, ये तो बड़े बड़े आंकड़े हैं, इसे छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, इनका औसत माध्य निकालना है, औसत निकालना है तो क्या, सिंपल सा इन सबको जोड़ दो, और जितने नंबर हैं 1 2 3 4 है, 4 से भाग दे दो, 4 और 3 7 2 9 और 1 10, 10/4 कर देंगे तो आपका औसत निकल आएगा, ठीक है। दूसरा क्या रहता है, माध्य के बाद इंपोर्टेंट जो चीज रहती है वो रहती है माध्यिका, क्या रहती है, माध्यिका, माध्यिका में क्या करते हैं, 2 इधर से लिया, सॉरी 1 इधर से लिया और 1 इधर से ले लो, अब ये 2 बच गए, इन दोनों को आपस में जोड़ के डिवाइड 2 कर दो, 3 और 2 5/2 मतलब 2.5 माध्यिका आ जाएगी, ठीक है, ये तो हो गई सम सम, मतलब 1 2 3 4 डिजिट थे तब की बात, 5 डिजिट होंगे तो मतलब इधर अगर कहीं पे लिखा 1 2 5 7 और 6, इनका मेरे को माध्यिका निकालो, तो 2 इधर से आप पहले सबसे पहले क्या करो, इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग में जमा लो, तो 1 2 2 के बाद 5 फिर 6 और फिर 7, ये अपन ने असेंडिंग या डिसेंडिंग में जमा लिया, ठीक है, ये असेंडिंग में जमे हुए, ठीक है, असेंडिंग यानी बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम मतलब पहले सबसे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा बड़ा बड़ा, तो यहां से 1 और 2 नंबर यहां से हटा दीजिए आप, 1 और 2 नंबर यहां से हटा दीजिए, जो बीच का नंबर है वो आपकी माध्यिका कहलाती है, बस वो माध्यिका है, और ये
सेम डिजिट में, ये तो असेंडिंग और डिसेंडिंग पहले से जमा, अगर एक दो तीन चार एलिमेंट है इसमें और इसमें पांच एलिमेंट है, तो पांच एलिमेंट में तो कोई दिक्कत नहीं है, जो ये बी बराबर संख्या में इधर हट जाएंगे, बराबर संख्या में इधर हट जाएंगे, जो बीच का बचेगा वो मध्यगा। और जो सेम एलिमेंट में क्या होता है कि जो दो बचते हैं उन दोनों को जोड़ के और दो से डिवाइड कर देते हैं, तो वो आपका मध्यगा जाता है, ठीक है। और बहुलक क्या होता है, बहुलक, और देखिए बहुलक में क्या होता है कि अगर इन आंकड़ों की बात करें, इन आंकड़ों में क्या बहुलक है, तो इन आंकड़ों में कोई बहुलक नहीं है, सब बहु, ठीक है। और इस आंकड़े में बात करें तो क्या बहुलक है, जिसमें नंबर ऑफ रिपीटेशन ज्यादा रहते हैं, जैसे 11 है, 11 कितने टाइम्स आए, 3 टाइम्स, तो 3 टाइम ये आपका बहुलक कितना हो जाएगा, 11, ठीक है। उससे ज्यादा कुछ और आए तो फिर वो बहुलक हो जाता, लेकिन 11 से ज्यादा कुछ बहुलक नहीं आए। अब परास की बात करें, परास भी देख लीजिए, माध्य देख लिया, माध्यिका देख लिया, बहुलक भी देख लिया। अब परास की बात करें, परास होता क्या है, जो पूरे नंबर में मैक्सिमम वैल्यू रहती है, ठीक है, जो मैक्सिमम वैल्यू रहती है उसे माइनस कर देते हैं मिनिमम वैल्यू, जो पूरे नंबरों में मिनिमम वैल्यू रहती है उससे, तो आपका परास या रेंज, क्या बोलते हैं, परास या रेंज निकल आता है। तो अभी इसका परास या रेंज कैसे निकालेंगे, सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 57, और सबसे मिनिमम वैल्यू कितनी है, 7, तो परास आ गया आपका 50। और बहुलक कितना है, देखिए बहुलक 11 आया, 11 आ जाएगा, क्योंकि 11 से ज्यादा कोई नंबर नहीं है। देखिए 7 है, ये 2 बार आए हैं, 8 है, 1 बार आया, 9 2 बार, लेकिन 11 जो है ना वो 3 बार आए हुए हैं, तो सबसे ज्यादा जो आएगा वही बहुलक कहलाएगा, तो 11 माइनस कर देते हैं। यही तो पूछ रहा है, परास उपर्युक्त आंकड़ों के बहुलक से कितना भिन्न है, मतलब डिफरेंस पूछ रहे हैं। तो 50 में से जब 11 माइनस करेंगे तो 37 आंसर आएगा कि नहीं, ओ 39 आंसर आएगा कि नहीं, 39, ठीक है, 39 प्लस 11 करेंगे 44, 15, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 137, एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 120 किलोमीटर की दूरी तय करता है, मतलब टाइम कितना लगा होगा, 3 आवर, ठीक है। यदि गति में 25% की वृद्धि की जाती है तो उसी दूरी को तय करने में व्यक्ति को कितना समय बच जाएगा, 3 आवर या 36 18, 180 मिनट, इतना समय लगा पहले। तो अब क्या कह रहे हैं, स्पीड में 25% की वृद्धि कर दें, तो स्पीड पहले है कितने की, पहले स्पीड है भाई साहब की 40 किलोमीटर की, और अभी हमको 25% की वृद्धि करना है, तो 25% 40 का कितना हो जाएगा, 10 कितना हो जाएगा, 4 4 8 और 2 10, मतलब 40 10 50। जब 25% की वृद्धि करेंगे तो 40 की जगह कितनी स्पीड हो जाएगी, अब हो गई उनकी 50 की स्पीड, मतलब 40 का आप 25% निकाल लो तो आएगा 10, ठीक है, तो वो हो जाएगी, अब हो गई स्पीड उनकी 50, तो वो उसी स्पीड मतलब उसी डिस्टेंस को तय करनी है, 50 की गति से तय करनी है, तो कितना समय लगेगा, 0 से 0 कट गया, 5 से काट दो, जो भी आएगा अपन मिनट में निकाल लेते हैं, 5 से ऐसे कर दो, 5 एक 5, 5 दूना 10, 12 12 144, मतलब 144 मिनट लग रहे हैं, कितने लगे, 144 मिनट, और पहले कितने लगे थे, 3 घंटे या 180 मिनट, तो कितना समय बच गया, 44 और 6 50 और 30 36, 36 मिनट का समय बच गया बाबू। तो ऑप्शन नंबर बी में 36 देकर रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 138, ए अकेले 24 दिनों में एक काम के कुछ भाग को कर सकता है, बी अकेले उसी काम को 18 दिन में कर सकता है, ठीक है, यदि वे एक साथ मिलकर काम करें तो कितने, तो काम के आधे हिस्से को पूरा करने के लिए, देखिए ए जो काम कर रहा है वो 24 दिन में कुछ काम कर रहा है, बी जो काम कर रहा है वो 18 दिन में कुछ काम कर रहा है, 24 दूना 48, 24 या 72, टोटल काम मान लेते हैं 72 है, कितना है 72, 72, ठीक है, ये 72, तो 24 या 72, 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 चौके 72, ए प्लस बी एक साथ उनकी एफिशिएंसी आ गई है 7, कितनी एफिशिएंसी आ गई है 7, और यहाँ पे पूछा है काम के आधे हिस्से को पूरा, पूरा हिस्सा कितना है 72, काम का आधा हिस्सा कितना हो जाएगा 36, कितना हो जाएगा आधा हिस्सा 36, 36, और इनकी एफिशिएंसी कितनी है 7, 7 से 7 पन्ना 35, 1 बचा 1/7, 5 सही 1/7, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 139, क्वेश्चन नंबर 139 क्या कहता है, देखिए
कि एक क्या है, आयताकार उद्यान के अंदर एक समान चौड़ाई का पथ चारों ओर है। उद्यान की लंबाई कितनी है? 36 मीटर लंबा है और 24 मीटर कितना है, चौड़ा है। यदि पथ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल, पथ मतलब रास्ता जो बना है, देखिए एक मान लेते हैं यहाँ पर उद्यान बना देते हैं, एक उद्यान इस तरीके से उद्यान बना है, ठीक है, सही बना है, एकदम सही बना होगा। 36 मीटर तो लंबा है और 24 मीटर चौड़ा है, और इसके अंदर एक रास्ता बना हुआ है, अंदर रास्ता बना है पथ के, ठीक है, ये मान लिया, बना लिया, ये रास्ता बना है इधर, ठीक है, ये चारों तरफ रास्ता। और यदि पथ द्वारा घेरा गया क्षेत्र, ये जो पथ है ना, इसके द्वारा घेरा गया क्षेत्र फल देकर रखा है 576 मीटर स्क्वायर, ठीक है, तो पथ की चौड़ाई बताना है हमको, पथ की चौड़ाई, ठीक है, तो पथ की चौड़ाई हम मान लेते हैं एक्स है, ठीक है, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम 30, देखिए टोटल एरिया कितना है, 36 इंटू 24 ये एरिया है, इसमें से अगर ये बीच का एरिया मैं निकाल दूं तो मेरे को पथ का एरिया, मतलब पूरे में से ये बीच का एरिया मैं निकाल दूं, ये वाला जो जो खाली पड़ा है ये एरिया को माइनस कर दें तो पथ का एरिया निकल आएगा, और जो देके भी रखा है तो, ठीक है, ये जो है ये पूरा एरिया है, इसमें से मैं पथ का मतलब ये अंदर का एरिया जो जो, जो जिस पे बिना पथ है, जो रास्ता नहीं बना, वो माइनस कर देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 36 में से ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, तो टोटल 36 है, 36 में से 2x माइनस करना है, तो वो उसकी लेंथ हो जाएगी 36 माइनस 2x, ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, विड्थ कितनी हो जाएगी, विड्थ हो जाएगी 24 माइनस 2x है ना, क्योंकि x इधर है और x इधर है, तो 24 माइनस 2x, ठीक है, और हाँ बस इतने को माइनस करना है, तो बड़ा कोष्टक ले लो, 24 माइनस 2x इसको छोटे में रख दो। अब ये बड़े में से जब ये बीच का एरिया मैंने माइनस कर दिया तो ये हमको पथ का एरिया निकल आएगा, पथ का एरिया देके भी रखा है, 576 मीटर देके रखा है, ठीक है, ये आ गया। तो अब इनको कैलकुलेट कर लो और एक्स की वैल्यू फाइंड कर लें। कैसे फाइंड करेंगे, देखो पहले थोड़ा सा इरेज कर ले क्या, क्योंकि जगह बहुत कम बची है, इरेज कर लेते हैं। ओहो सारा इरेज हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर क्या था, 36 इंटू 24, अब छोटा छोटा लिखेंगे ताकि जगह बची रहे, 36 इंटू 24 ये है, माइनस में क्या हो रहा था, 36 माइनस 2x हो रहा था, ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई हो रहा था 36 के बाद 24 माइनस 2x, इससे हो रहा था, और बराबर में आ रहा था 576, हाँ बराबर में 576 आया, ठीक है, 36 इंटू 24 कर ले, मतलब 36 दूना 72 कर सकते हैं, यहाँ पर 12 कर सकते हैं सॉल्व करने, 12 दूना 24 का 4, हाथ के 2, 12 सत्ते 84, 85, 86, 864 ये आ गया माइनस, इसको कैसे सॉल्व करें, 36 इंटू 24 फिर करना है तो सेम ही वैल्यू आएगी 864, क्योंकि इधर भी फिर माइनस 36 दूना 72x और 24 दूना 48x, ये 72x है ना और 48x, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 दूना 4x² और बराबर में 576, 576 लगता है वापस से बन रही है स्क्वायर इक्वेशन, ठीक है, अभी माइनस अंदर करो तो माइनस 286 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, और बराबर में 576 है, तो 864 से तो 864 कट रहे हैं, और ये कितना था यार, ये 36 दूना 72, नहीं, ये तो ये माइनस किया तो ये तो माइनस हो जाएंगे, और 36 दूना 72 माइनस के थे तो प्लस हो गए, 72x प्लस के हैं, और 36 दूना 72 और 24 दूना 48, 48 माइनस के थे तो ये भी प्लस के हो गए, ठीक है, इसको एक काम कर लेते हैं, दोबारा से लिख लेते हैं क्योंकि बहुत गड़बड़ हो जाएगी, नहीं तो 864 माइनस अभी बाहर ही रखो, माइनस बाहर रखो, 864 और 36 दूना 72 माइनस के 72x, 36 दूना 72 और 24 दूना 48 माइनस के 48x और प्लस का 4x² ये है, ठीक है, अब करते हैं माइनस, ये हो गया माइनस
और ये हो जाएंगे प्लस, और ये भी हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा माइनस। माइनस के 4x² और 48, 49, 50, 7 और 5 20, मतलब 120x माइनस का 4x² और बराबर में 576, ये है पूरा। ठीक है, तो इसको और फर्दर सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 120 यहां पर चेंज कर देते हैं, साइन चेंज कर दें क्या, तो ये प्लस का 4x² हो जाएगा और माइनस का 120 हो जाएगा और बराबर में माइनस के 576 हो जाएंगे। बस यहां पर वैल्यू पुट करके रख लेते हैं, या फिर 120 एक्स हैं इनको फिर ब्रेक करना पड़ेगी, नहीं तो वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। अच्छा सबसे पहले, अच्छा छोटी वैल्यू रखते हैं 4, 4 का स्क्वायर करोगे 16, 16 चौके 64, 64 माइनस 120, 64 माइनस 120 तो क्या 576 हो रहे, नहीं हो रहे, देखिए बड़ी संख्या आ रही, तो 12 रख देते हैं, 12 में 12 144, 144 गुणे 4, 144 गुणे 4 मतलब चार चौके 16, चार चौके 16 और एक 17, 7 के एक, 4 4 और एक 5, ये तो 576 आ रहे, 576 तो ये हो ही गए, और फिर माइनस का 120 भी तो करना है, तो नहीं आ रहा, ये तो नहीं आ पाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस का 120 भी तो करना है, ये तो नहीं आ रहा, तो बी रख के देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी, 6 का 36 इंटू 4 करो, 36 इंटू 4, 6 चौका 24 का 4, हाथ के 2, 4 तेरी 12, 13 14, 144 इंटू 20, ये तो कहीं से कहीं नहीं बन रहा। अच्छा एक काम करो, इसको 4 से और डिवाइड कर सकते हैं ना, तो और छोटा कर लो, x² माइनस 4 तेरी 12 मतलब 30x और बराबर बराबर में कितना हो जाएगा, 576, 4 से डिवाइड कर देना, 4 एकम 4, 4 चौके 16 और 1 4 चौके 16, 144, और 144 तो बन रहा है, कहां से बन रहा है देखिए, कैसे करके देख लो, या फिर इसे ब्रेक कर दो, एक काम कर दो, इसको ब्रेक करते हैं अपन, इरेज ऑल मत करो, इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा इधर से, ठीक है, ये तो सब आ गया, रेस कर लेते हैं इतनी जगह ताकि इतने में हो जाए, चलो ये भी कर ही देते हैं। ठीक है, इस वर्ग इक्वेशन में तो बड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है, 4 से डिवाइड किया तो ये आ गया, तो इसको एक काम कर लेते हैं, ब्रेक कर लेते हैं, x² माइनस 30x और प्लस में है आपके पास 144, 144 24 के टेबल में आता है शायद, है ना, 24 6 जा, तो x² 24 6 जा, तो माइनस का 24x और माइनस का 6x, 6 4 का 24 और का 4 हाथ कैरी 2, 6 2 12 4, बिल्कुल सही है, प्लस 144, ठीक है, बराबर में 0, तो कैसे ब्रेक करेंगे, अब देखिए x कॉमन ले लिया, x माइनस 24 बचा और इधर माइनस का 6 कॉमन ले लिया, x माइनस 24 बचा। ठीक है, तो x की वैल्यू 2 आ रही है, एक तो x बराबर 6 आ रहा है और x बराबर 24 आ रहा है, दो में से कोई सा भी होगा अपना वही आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, और भाई ये जो बना हुआ था इसको और भी रख के देख लेते हैं, जैसे कि इस इक्वेशन में आप 6 ही रख के देखते, तो 6 इधर 36 हो जाता, माइनस 6 3 18, ये 180 हो जाता और प्लस का 144 हो जाता, तब भी आंसर आ रहा था, कैसे कि 180 में से 36 जाएंगे तो 144 से तो बचेंगे माइनस के, और माइनस के बराबर में 0 आ रहा था। ठीक है,
तो ये भी है, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। 6 खिलाड़ियों वाली एक टीम की औसत ऊंचाई कितनी है? 156। 6 खिलाड़ी हैं और औसत ऊंचाई है 156, ठीक है। अगर टीम में तीन और खिलाड़ी जोड़े जाते हैं, 6 की जगह 3+ कर देते हैं, तो 9 खिलाड़ी हो गए। कितने हो गए आप? 9। तो औसत ऊंचाई 2 सेंटीमीटर बढ़ जाएगी। 2 सेंटीमीटर मतलब 158, ठीक है, इंटू 9 करेंगे तो 9 8 72 की 2 हाथ 7, 9 5 45, 45 और 7 12, 52, 2 हथ के 15, ओ 52 का 2 हथ के 5 और 9 एकम 9, 9 5 14, यानी 1444, 1444 आ रही है, ठीक है। और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 1422। और अगर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं आप, 6 6 36, 6 कैरी 3 और 6 5 30 और 3 33, 33 का 3 हाथ के 3, 6 कम 6 और 3 9, 936। मतलब जो 3 खिलाड़ी आए हैं उनकी कितनी, उनके आने से कितनी बड़ी वो देख लेते हैं। 12 में से 6 गए 6, 1 इधर 4, 12 में से 4 गए 8 और 1 इधर 10, 14 में से 10 गए 4 और 1 इधर 4, 4 8 6, कितनी बची? 3 लोगों की हाइट, 3 लोगों की हाइट कितनी है? 4 8 6, ठीक है, 2 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। अगर इन तीनों, मतलब उन तीनों की कुल मिला के कितनी, 486 सेंटीमीटर की हाइट वो लेके आए। देखिए, 6 खिलाड़ी वाली एक टीम की औसत ऊंचाई कितनी थी? 156। तो कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 936, क्योंकि 156 × 6 करेंगे तो ये हो जाएगी 936, ठीक है। अगर टीम में तीन और खिलाड़ी जोड़े जाते हैं तो +3 और आ जाते हैं, मतलब 6 की जगह 9 हो जाते हैं, तो उनकी 2 सेंटीमीटर हाइट बन गई। 156 से 2 बढ़ गई तो 158 हो गई। इस 158 को 9 से गुणा करेंगे तो ये आएगी 1422 सेंटीमीटर और इन 6 की थी 936 सेंटीमीटर। तो मतलब ये तीन जन जो लेके आए हैं, 486 सेंटीमीटर की हाइट इन तीनों की कुल मिला के है, ठीक है। अगर इन तीन के बीच सबसे छोटे व्यक्ति की ऊंचाई इन तीनों की औसत ऊंचाई से 4 सेंटीमीटर कम है तो उनकी औसत ऊंचाई ज्ञात करें। ये जो छोटा व्यक्ति है इसकी ऊंचाई इन तीनों की औसत ऊंचाई से 4 कम है, तो तीनों की औसत ऊंचाई निकाल लें पहले। 3 एकम 3, 3 6 18, 3 एकम, अब इससे कितनी कम है? और 3 2 6, सॉरी 3 2 6, 162 सेंटीमीटर। तीनों की औसत ऊंचाई से, इन बीच में से सबसे छोटे व्यक्ति की ऊंचाई इन तीनों की औसत ऊंचाई से 4 कम है, 4 कम मतलब 158 सेंटीमीटर, 158। अब 162 से 4 कम करोगे तो 158 ही आएगा ना, तो ये हो गई 158 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज, और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें आपको। पहला पार्ट ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, वो काफी बड़ा हुआ है, 2 घंटे का है लगभग, ठीक है। अब हम बाकी के जो आगे आने वाले पार्ट हैं उनको, दो पार्ट में, जैसे दूसरा पार्ट है उसको ए और बी में हम ब्रेक कर करके बना रहे हैं ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। जैसे कि ये 2 पार्ट है, ए टू ए पार्ट आया है, 2B इसके तुरंत जस्ट बाद आने वाला है, ठीक है, तो वो भी देखें। और टोटल 27 शिफ्ट में पेपर हुए थे, जो कि हम एक पार्ट पहले ही अपलोड कर चुके हैं पूरा का पूरा जो 2 घंटे का है, तो 26 बचे। अब जो 26 शिफ्ट हैं वो हम दो दो पार्ट करके सॉल्व करेंगे, मतलब 26 दूना 52 पार्ट और आएंगे, ठीक है। अभी हमारे 2 पार्ट आए हुए हैं और 52 पार्ट और आएंगे अभी, ठीक है। तो आप बने रहे चैनल पर, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट, पार्ट 2B के अंदर। Thank you.